नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में कांटे की टक्कर चल रही है। अब तक के रुझानों में बड़ा उलटफेर हुआ है। शुरुआत में पिछड़ने के बाद टीआरएस ने तेजी से बढ़त बना ली है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे टीआरएस हावी हो गई और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी दूसरे नंबर पर आ गई है। वहीं बीजेपी तीसरे नंबर पर खिसक गई है। हालांकि बीजेपी फिर भी पिछले चुनाव के मुकाबले जोरदार प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के इस शानदार प्रदर्शन के पीछे पार्टी के दिग्गज नेताओं के चुनाव प्रचार में उतरने के अलावा जो एक बड़ी वजह बताई जा रही है वो है भाग्यनगर का मुद्दा। जी हां, बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर हम इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर सकते हैं तो हम हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर क्यों नहीं कर सकते। उसके बाद भाग्यनगर ही इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे भाग्यनगर बनाम हैदराबाद की लड़ाई बता दिया। अब सवाल उठता है कि ये भाग्यनगर है क्या? क्या हैदराबाद का नाम कभी भाग्यनगर भी था? दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि हैदराबाद का पुराना नाम भाग्यनगर ही था। शहर का नाम बाद में हैदराबाद मुस्लिम शासकों ने रखा था। कुछ लोग भाग्यनगर को भाग्य लक्ष्मी मंदिर के नाम से भी जोड़ते हैं। ये मंदिर हैदराबाद के मशहूर चार मीनार के दक्षिण पूर्व मीनार से सटा हुआ है, जिसमें माँ लक्ष्मी विराजमान हैं। बांस के खंभे और तिरपाल से मंदिर का स्ट्रक्चर बना है। टीन की छत है और चार मीनार का दक्षिण पूर्व मीनार इस मंदिर के पीछे की दीवार के रूप में है। इसके बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं मिलती है कि ये मंदिर कब बना और किसने बनवाया, लेकिन यहाँ 1960 से ये स्थित है। सिकंदराबाद के बीजेपी सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी दावा करते हैं कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर का इतिहास चार मीनार से भी पुराना है, जिसका निर्माण 1591 में शुरू हुआ था। चार मीनार एरिया में रहने वाले हिंदू बड़ी संख्या में इस मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। दिवाली के मौके पर भाग्य लक्ष्मी मंदिर में मां लक्ष्मी के दर्शन पाने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगती हैं। बीते कुछ दिनों में हैदराबाद के भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचने वाले बीजेपी नेताओं में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबसे लेटेस्ट हैं। हालांकि हैदराबाद का पुराना नाम भाग्यनगर था या नहीं ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन भाग्यनगर के मुद्दे ने हैदराबाद में बीजेपी के भाग्य को जरूर बदल दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।